नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अंबाला नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर दुर्गा सिंह अत्री ने अंबाला छावनी की अनाज मंडी में गीता गोपाल भवन के समीप 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की आन बान शान तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले सुबह 6 बजे अनाज मंडी अंबाला छावनी से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि मुख्य बाजारों से होकर वापिस अनाज मंडी में समाप्त की गई। बाजारों में अनेकों गणमान्य लोगों की ओर से प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। अनाज मंडी प्रांगण में अनेकों स्कूली बच्चों की ओर से देशभक्ति के गीतों पर अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ध्वजारोहण के उपरांत मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए दुर्गा सिंह अत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अंबाला वासियों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास का वह गौरवपूर्ण दिन है, जिस दिन हमने एक लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि अनेकों जाने अनजाने वीरों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं महान वीरों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।